फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जैसे सागर दास, हडी मियान, चंदन कुमार, हरीश शर्मा और हैदर अली। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में पूछा कि अंडन का क्या इस्तेमाल है, तो आइए फ्रेंड्स अंडन के बारे में देखें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अंडन का इस्तेमाल हम तीन जगह करते हैं, आइए इन तीनों इस्तेमाल को अलग अलग सीखें। सबसे पहले हम अंडन का इस्तेमाल नॉट टाइड के लिए करते हैं, यानी जब हमको कहना हो खुला हुआ होना तो हम अंडन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अक्सर आप किसी को कहते सुने होंगे आपके शर्ट की बटन खुले हुए हैं, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द बटन्स ऑफ योर शर्ट आर अंडन। तो फ्रेंड्स यहाँ अंडन का मतलब हुआ कि खुले हुए हैं, यानी नॉट टाइड, बंद नहीं है। फ्रेंड्स अक्सर ये सेंटेंस आप सुने होंगे या फिर आप किसी को बोले होंगे उसके जूते का फीता खुला हुआ था, या फिर आप ये कहते हैं आपके जूते का फीता खुला हुआ है। यहाँ पर वर्ड खुला हुआ है या खुला हुआ था के लिए आप अंडन का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। His shoelaces was undone, यानी उसके जूते का फीता खुला हुआ था। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि अंडन का इस्तेमाल हम खुले हुए होने के लिए करते हैं। आइए फ्रेंड्स अब अंडन का दूसरा इस्तेमाल देखें। फ्रेंड्स अंडन का दूसरा मीनिंग अधूरा होना या बाकी रहना के लिए करते हैं, यानी नॉट फिनिश्ड। जैसे काम अधूरा है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द वर्क इज अंडन। अगर लिखा हो अभी भी कुछ काम अधूरे पड़े हैं तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे देयर आर स्टिल सम टास्क लेफ्ट अंडन, यानी अभी भी कुछ काम अधूरे पड़े हुए हैं या करने बाकी हैं। तो फ्रेंड्स आपने यह सीखा कि नॉट फिनिश्ड यानी कोई काम जब अधूरा है तो आप उसके लिए अंडन का इस्तेमाल करेंगे। आइए फ्रेंड्स अंडन का लास्ट इस्तेमाल देखते हैं। फ्रेंड्स अंडन का एक इस्तेमाल बर्बाद हो जाना या लूट जाना के लिए भी करते हैं, जैसे मैं बर्बाद हो गया या मैं लूट गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं आई एम अंडन। आइए फ्रेंड्स दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जो मैंने किया है उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता, तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे व्हाट आई हैव डन Can't be undone, यानी जो मैंने किया है उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता या उसे मिटाया नहीं जा सकता या फिर उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि अंडन का इस्तेमाल कैसे मैंने तीन जगह किया। पहली बार बधा हुआ न होना यानी खुला होना, और दूसरा इस्तेमाल अधूरा होना यानी नॉट फिनिश्ड, और तीसरा बर्बाद हो जाना या लूट जाना या नष्ट हो जाना। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको अंडन का इस्तेमाल समझ में आया। फ्रेंड्स अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।